बूंद बूंद करके सागर भरता है वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत में बबीना के सहकारी समिति के बेईमान कर्मचारी अपना मोटा पेट भरने के लिए किसानों के खून की एक एक बूंद करके कमाई चूस रहे हैं। आज जब हमारे संवाददाता प्रदीप यादव को कुछ किसानों ने बताया कि उनसे खाद के लिए अवैध वसूली की जा रही है, तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने कर्मचारी से बात की, जिसका स्पष्ट कहना था कि ऊपरी पैसे पल्लेदार आदि के लिए लिए जाते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर हजारों किसान प्रतिदिन यूरिया की बोरी लेने आता है, जिसमें प्रतिदिन गरीब किसानों को लाइन में लगाकर उनसे अवैध वसूली की जाती है। दरअसल किसानों को 266.50 रुपए में यूरिया की बोरी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ उनसे 280 रुपए वसूले जा रहे थे। अब इस विषय में हमारे पत्रकार ने सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि 5 रुपए पल्लेदारी के लगते हैं, लेकिन उसके बाद करीब 9.5 रुपए प्रति बोरी किसकी जेब में जाता है, यह बताने में सबकी बोलती बंद हो गई। किसानों से बात की, सभी का यही कहना था कि उनसे 280 रुपए लिए गए, चूंकि बात सिर्फ 10 या 15 रुपए की थी, इसलिए किसी ने विवाद नहीं किया और इसी बात का फायदा यहाँ के कर्मचारी उठा रहे थे। दरअसल 10-10 रुपए करके यही हजारों रुपए में इकट्ठे हो जाते हैं, जो सीधा इन भ्रष्ट कर्मचारियों की जेब में जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इस समय बबीना की सहकारी समिति यहाँ पे पहुँचा हूँ, जहाँ पर यूरिया खाद बिक रहा है और यहाँ पे किसानों को धड़े आम लूटा जा रहा है। मैं अभी आधा घंटे पहले 11 बोरियाँ लेके गया 3,080 रुपए की, जबकि सरकारी रेट जो है 66.50 रुपए हैं, और जो यहाँ पे सचिव हैं जो आए हुए हैं वो 280 रुपए की बोरी दे रहे हैं। अगर 5 रुपए पल्लेदार का लगा लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस समिति के ऊपर। यानी 66.50 रुपए की बोरी को 280 रुपए, यानी 266 रुपए की बोरी को 280 रुपए में बेच रहे हैं सरकारी समिति पर, यानी सीधा सीधा भ्रष्टाचार। और अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी अभी इनके उच्च अधिकारियों से बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि उच्च से उचित कार्रवाई होगी और FIR भी होगी। अब देखते हैं कि FIR होती है या कार्रवाई होती है, तो सिर्फ लीपापोती होती है। मेरा जिले के अधिकारियों से सीधा सीधा सवाल यह है कि हम किसान अगर पैदा हुए हैं तो इसीलिए हुए हैं कि लुटने के लिए सरकारी समितियों पर। हम यहाँ पे किसानों ने जो कुछ बोरियाँ खरीदी हैं उनसे भी बात करते हैं कि कितने की बोरी, भैया कितने की बोरी है? 280 रुपए। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? कितनी बोरी ली आपने? हमने ली 2 बोरी। कितने की ली? 560 की। 560 की ली आपने? भैया आपने कितने की ली बोरी? मैंने 280 रुपये की। 280 रुपये की एक बोरी? हाँ, 260 की एक बोरी। तो 266.50 रुपए की तो बोरी है सरकारी रेट में। क्या पता है आपने भी ली? हाँ हमने भी ली। कितने की थी? 2 बोरी 560। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 बोरी 560 रुपए की, कितना बड़ा भ्रष्टाचार। यानी धड़े हम सरकारी समिति में सरकारी कर्मचारी सीधे सीधे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 बोरी 560। अब इस तरीके की एक पर्ची दी जाती है जिन पे ना कोई रेट है और सीधे सीधे सिर्फ बोरी लिखी है 2 बोरी, और नीचे सरकारी समिति की एक मोहर लगा दी जाती है। अब 560 रुपए की बोरी, और मैंने खुद, मैं एक किसान हूँ पत्रकारिता के साथ साथ, मैंने 11 बोरियां ली हैं 3,080 रुपए की श्रीमान नीचे जी ने दी है। और जब इनसे पूछा गया तो पल्लेदार का 5 रुपए लगा रहे हैं, चलो पल्लेदार का भी 5 रुपए लगा लो तो 271.50 रुपए होते हैं। वही बात 10 या 20 रुपए की नहीं, बल्कि बात है बेईमानी, चोरी और भ्रष्टाचारी की। संविधान में भी चोरी करने की सजा बराबर है, फिर चाहे 1,000 रुपए चोरी हुए हो या फिर 1,00,000। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे समाज का, जहाँ इन बेईमानों पर कार्रवाई करने से अधिकारी भी कतराते हैं, जिससे तो यही लगता है कि नहाने वाले हमाम में सभी निर्वस्त्र हैं। बबीना से ब्रज वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।